आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। 6 मई को हुई 7 वर्षीय मासूम की हत्या का बांसगांव पुलिस ने किया खुलासा। सीओ और एसपी साउथ ने कहा, जमीनी विवाद और अपमान किए जाने पर पड़ोसी ने की मासूम की हत्या, 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। मंडलायुक्त जिलाधिकारी ने किया एयरफोर्स के विंग कमांडर के साथ गीडा स्थित अन्नपूर्णा गैसेज यूनिट और मोदी केमिकल्स का निरीक्षण। लोगों को किया आश्वस्त, कहा नहीं होने दी जाएगी ऑक्सीजन की कमी। रविवार को जिले के 3 रिक्त पदों के लिए 9 बूथों पर होगा मतदान। एडीएम फाइनेंस ने कहा, पोलिंग पार्टियां हो चुकी हैं रवाना, 3 पदों के लिए होगा उपचुनाव। गोरखपुर न्यूज चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने महानगर वासियों से की अपील, कहा सेंट्राइजेशन के लिए नगर निगम के कंट्रोल रूम में दे सूचना, तत्काल होगा सेंट्राइजेशन। पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्यों का पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण 1293 ग्राम प्रधानों में से 200 से अधिक ग्राम प्रधान नहीं ले पाएंगे शपथ। डीपीआरओ ने कहा, अब उपचुनाव के बाद ही 200 ग्राम प्रधान ले पाएंगे शपथ। गोरखपुर में शनिवार को मिले 540 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 48,697। अब तक 519 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 8,364 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का शनिवार को भी महानगर में दिखा असर। अनावश्यक घूमने वाले वाहनों का किया गया चालान। एसटीसीटी ने कहा, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण बाहर घूमने वालों के ऊपर की जाएगी वैधानिक कार्रवाई। नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम के 70 वार्ड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया सैनिटाइजेशन। शनिवार को जिला अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 797 और 45 साल से ऊपर के 2455 लोगों का किया गया कोविड का टीकाकरण। नागरिकों ने कहा, नहीं हुई कोई दिक्कत, अपनी बारी आने पर अवश्य करवाएं वैक्सीनेशन। और रात में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने सड़क पर उतरे एसपी सिटी सोनम कुमार। बेवजह घूम रहे लोगों का काटा चालान, कहा जनता करे कर्फ्यू का पालन जिससे पाया जा सके कोरोना संक्रमण पर काबू।